बच्चों आज हम लोग चैप्टर टू जिसका शीर्षक आत्मविश्वास है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम बता दें कि आत्मविश्वास, आत्म का मतलब होता है स्वयं का, अपना, और विश्वास मतलब भरोसा है, अपने आप पर भरोसा। शीर्षक है आत्मविश्वास, यानी अपने पर भरोसा होना, अपने पर विश्वास होना। इस कहानी के अंदर एक छोटे बच्चे के बारे में बताया गया है जो तुम ही लोगों की तरह एक छात्र है। स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता होती है, वह दौड़ने में बढ़िया है, तेज दौड़ता है, फिर भी उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, उसे अपने आप पर भरोसा नहीं है कि मैं इस दौड़ को जीत पाऊंगा या नहीं। वह बहुत परेशान है, तभी उसके दादाजी उसको प्रेरित करते हैं, उसको एक ऐसा उपाय बताते हैं जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वह अपनी इस दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आता है। वह सारा श्रेय अपने दादाजी के उस युक्ति को, उस उपाय को देता है। तब दादाजी उसे समझाते कि नहीं, मैंने कोई उपाय नहीं बताया, ये तो एक साधारण सी बात थी। सबसे बढ़कर अगर तुमको इस दौड़ को जीतने का श्रेय देना है तो अपने आत्मविश्वास को दो। और उसी के बारे में दादाजी ने बताया जिसको हम लोग इस कहानी के अंतर्गत इस कहानी में पढ़ेंगे। तो पैराग्राफ प्रथम देखिए, देखिए पहला पैराग्राफ, उसमें मेहुल नाम का एक लड़का है, उसके बारे में बताया गया है कि मेहुल का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वह पढ़ने में बहुत ही तेज था, साथ ही साथ वह खेलने कूदने में भी सबसे आगे आगे रहता था, लेकिन उसे एक अजीब सा डर अपने दिल के अंदर लग रहा था, एक अजीब सा डर उसमें आ गया था। वह डर था कि उसके स्कूल के अंदर वार्षिक प्रतियोगिता होने वाली थी और उसने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया था, हिस्सा लिया था, लेकिन उसके अंदर यह डर सता रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं जब दौड़ में जाऊं तो मैं दौड़ हार जाऊं। कभी सोचता कि मुझे इस दौड़ प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहिए, अगर मैं हार जाऊंगा तो मेरी बहुत किरकिरी होगी, बेइज्जती होगी, बच्चे और उनके गार्जियन या शिक्षक के सामने मुझे लज्जित होना पड़ेगा। ये सारा डर उसके मन के अंदर समाया हुआ था, जिसके कारण वह सोच रहा था कि क्यों ना हम इस प्रतियोगिता से अपने नाम को कटवा लें और इस प्रतियोगिता से हट जाएं। यह इसी उधेड़बुन में लगा हुआ था। आज भी स्कूल से वापसी के बाद घर आया और उसने खाना खाया और पढ़ने के लिए बैठ गया, लेकिन आज उसका पढ़ाई करने का मन नहीं था। जब वो पढ़ने के लिए बैठता तो बहुत सारे गलत विचार उसके दिमाग में आने लगे थे। उसे तो बस यही डर सता रहा था कि ऐसा न हो कि अगर हम प्रतियोगिता में हिस्सा लें, दौड़ें और हार जाएं तब हमारा क्या होगा। खाना खाने के बाद उसे अपने माताजी से पता चलता है कि दादाजी आए हुए हैं। वह अपने पढ़ने के कमरे से निकलता है और दादाजी के पास जाकर बैठ जाता है। दादाजी वहाँ बैठे बैठे कविता लिख रहे थे, दादाजी कवि थे, ये कविता लिख रहे थे, और इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी थी जो उनके शहर में बहुत लोग शौक से सुनते थे और उनकी कविता को पढ़ा करते थे। मेहुल के आज चंचल न होने का कारण दादाजी को असमंजस में पड़ जाना पड़ा कि क्या बात है कि चंचल मन वाला हमारा पोता आज बिल्कुल चुपचाप बैठा है, क्या कोई परेशानी तो नहीं है। दादाजी मेहुल से पूछते हैं कि क्या बात है बेटा, तुम आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, न तो तुम ढंग से बात कर रहे हो और न ही कोई चंचलता तुम्हारे अंदर दिखाई दे रही है।
मेहुल उदास स्वर में बोलता है कि नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। तब दादाजी कहते हैं कि देखो बेटे, मुझसे कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि तुम परेशान हो। जब दादाजी ने बड़े प्यार से मेहुल से पूछा, तब मेहुल ने अपनी सारी परेशानियों को उनके सामने रखा। क्या रखा उसने? कहा कि दादाजी, कल मेरे स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इस प्रतियोगिता को जीत पाऊंगा। कहता है कि मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है कि मैं इस प्रतियोगिता को जीत पाऊंगा। तब दादाजी पूछते हैं, बस इतनी सी बात है और इसी के लिए तुम इतने परेशान हो? अच्छा, यह बताओ कि क्या तुमने उस दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अभ्यास किया है, प्रैक्टिस किया है, दौड़े हो? मेहुल जवाब देता है कि जी दादाजी, मैं बहुत दिनों से इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अभ्यास कर रहा था और मेरी टाइमिंग भी बहुत अच्छी है, समय भी बहुत अच्छा निकाल लेता हूँ, मैं बहुत अधिक तेज़ दौड़ने वाला भी हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये कभी कभी विचार आता है, ख्याल आता है कि ऐसा ना हो कि कोई दूसरा मुझे हरा दे और मेरी बेइज्जती पूरे स्कूल के अंदर हो जाए। दादाजी उसकी बात को सुनते हैं और एक सोच में डूब जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आखिर मेहुल की समस्या का हल कैसे निकाला जाए। और मेहुल अपने दादाजी के चेहरे को बड़े गौर से देखने लगता है कि दादाजी इस विचार में, सोच में डूबे हुए हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे मैं आसानी के साथ अपनी दौड़ प्रतियोगिता को जीत सकूं। दादाजी अपने विचारों में खोए हुए हैं और मेहुल अपने विचारों में खोया हुआ है। दादाजी कहते हैं कि देखो मेहुल, मैं एक कविता तुमको लिखकर दे रहा हूँ, उस कविता को दौड़ प्रतियोगिता होने से पहले एक बार अगर तुम पढ़ लोगे तब इसका चमत्कार तुमको देखने के लिए मिलेगा। और इस कविता का चमत्कार यह है कि तुम अपने दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम आओगे, तुमसे आगे कोई भी निकल नहीं सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस कविता के बारे में तुझे किसी से कहना नहीं होगा, ये चुपचाप पढ़ना है, अपने आप को पढ़ना है, अपने आप को इस अपने पढ़ना और किसी को बताना नहीं, इसको छुपा कर रखना है। कविता क्या थी? कविता यह थी कि हृदय में विश्वास हो, मन न निराश हो, लक्ष्य अपना पाओगे, तुम सफल हो जाओगे। कहता है कि दादाजी ने एक छोटी सी कविता लिखी थी, चार पंक्तियों की, लिखा था कि अगर मन के अंदर विश्वास हो, अपने आप पर अपने मन के अंदर भरोसा हो और मन भी निराश न हो, लक्ष्य जो होगा, तुमने जो लक्ष्य रखा है उसको तुम आसानी से पा सकते हो और अपनी सफलता को पा सकते हो। क्या है सफलता पाने का गुरु मंत्र? कि अपने मन के अंदर और अपने हृदय के अंदर तुमको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जिस काम को करने जा रहा हूँ वह मैं करूँगा और उसमें सफलता प्राप्त करूँगा, तब सफलता तुमको जरूर प्राप्त होगी। यहाँ दादाजी ने एक छोटी सी कविता लिखी और उसके असर को बताया। उन्होंने बताया कि बहुत ही जादुई कविता है और इस कविता को अगर तुम दौड़ से पहले पढ़ लोगे तब ये तुम्हें बहुत ही फायदा पहुँचाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग इसके बाकी हिस्से को पढ़ेंगे। धन्यवाद।